नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बारे में हमने एक विचार व्यक्त किया था और तर्कों के आधार पर कि वो प्रधानमंत्री की हैसियत से व्यवहार ही नहीं करते, वो भी कनाडा जैसे राष्ट्र के प्रधानमंत्री के तौर पर, क्योंकि उनके कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो देखने में तो लगते हैं कि वो मास को ध्यान में रख करके, अर्थात जनमत को ध्यान में रख करके वो निर्णय ले रहे हैं, लेकिन वो निर्णय न्यायत ही एकांगी और कनाडा का स्तर नीचे करने वाला होता है। अब एक उदाहरण के तौर पर हम आपको बताते हैं एक वाक्या। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इसराइल और हमास के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसमें मुसलमानों की राय जानने के लिए और उनको एक तरह से ढाढ़स बंधाने के लिए वो एक नायाब तरीका ढूंढ निकाला उन्होंने, और उन्होंने किया क्या कि वो मास्क में गए, अर्थात मस्जिद में गए और मस्जिद में जाकर के लोगों के साथ मुलाकात करना चाहते थे और वहाँ के प्रेयर में, अर्थात जब वो नमाज अदा कर की जाती हो उस समय वो वहाँ पर जाकर के उसमें शामिल होना चाहते थे ताकि मुसलमानों में ये संदेश जाए कि कनाडा उनके मुश्किल में, जो भाईचारे के तहत वो मुश्किलों में महसूस कर रहे हैं अपने आप को, वो ऐसा महसूस न करें। लेकिन जैसे ही वो मास्क में पहुंचे और वहाँ पर मंच पर वो आसीन हुए, उसके बाद पब्लिक उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगी और जब नारेबाजी करने लगे तो वो देखने लगे, देखते रह गए इस पूरे घटनाक्रम को, न उसका कोई जवाब दे पाए। जो आयोजक थे जहाँ पर, जिस मस्जिद में वो गए थे, वहाँ पर स्थिति ही ऐसी बन गई कि ट्रूडो को लगभग विरोध का सामना करना पड़ा और उस विरोध की स्थिति में वो मूक दर्शक बन करके खड़े रहे। किसी तरीके से जब विरोध बढ़ता गया तो उनको बाहर निकाला गया मस्जिद से, और मस्जिद से बाहर निकलते हुए आप इस तस्वीरों में भी देख सकते हैं, इस वीडियो के जरिए भी, और इसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठते हैं, चले जाते हैं। जब वो बाहर निकलते हैं तब भी लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। ऐसा क्यों? अमेरिका भी हमास के खिलाफ है और वो इसराइल का साथ दे रहा है, ब्रिटेन भी इसराइल का साथ दे रहा है, लेकिन न तो अमेरिका के राष्ट्रपति और न तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इस स्थिति में किसी मस्जिद में जाकर के नमाज में शामिल होने की कोई गुजारिश कर रहे हो। आप किसी भी चीज को समझें और उसके बाद उस पर निर्णय लें। ऐसा लगता है कि न तो जस्टिन ट्रूडो और न तो जस्टिन ट्रूडो के सलाहकार वो ऐसा ही सलाह देते हैं जिसके कारण परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं, उनकी व्यक्तिगत हैसियत और स्थिति गिरती है, कनाडा की भी हैसियत और स्थिति को वो गिरा देते हैं। ऐसा ही कुछ भारत के साथ संबंधों को जिस तरीके से उन्होंने नीचे गिराया है, उसको दरकिनार किया है, उसको भी देखा जा सकता है। चंद खालिस्तानियों के लिए उन्होंने भारत के साथ संबंधों को इतना खराब कर दिया कि अब राजनयिक स्तर पर एक दूसरे के राजनयिकों को निकालने की एक प्रक्रिया शुरू हुई, और उसमें भी आप देखिए, जब उन्होंने एक कार्रवाई की तो भारत ने जवाबी कार्रवाई की, 41 राजनयिकों को निकाल दिया। अब कनाडा पूरी दुनिया में दुहाई दे रहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मानकों को मान ही नहीं रहा। ये है ट्रूडो के वो बयान जो दिखाते हैं कि वो जितना अभी जिस उम्र के पड़ाव पर है उसका व्यवहार उनके व्यक्तित्व में नहीं दिखता, निहायत बचकाना व्यवहार करते हैं। और कुछ ऐसा ही है जब इसराइल और गाजा में हमास के साथ जो संघर्ष चल रहा है, इस युद्ध में जहां की इसराइल ने युद्ध की घोषणा की है, और कनाडा भी, चूंकि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश अगर इसराइल के साथ आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में है तो कनाडा भी है, ये भी आधिकारिक रूप से कनाडा इसराइलियों के साथ है, लेकिन फिलिस्तीनियों का साथ देने का जो तरीका उन्होंने ढूंढा, वो मस्जिद में जब वो पहुंचे तो मुसलमानों को पसंद नहीं आया।
क्योंकि कट्टरपंथी ये चाहते हैं कि इजराइल को यहूदी राष्ट्र के तौर पर दरकिनार किया जाए, जबकि ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहूदियों को भी जीने का अधिकार है, लोकतंत्र का यही सिद्धांत है और इसका पालन भारत भी कर रहा है। भारत इजराइल को महत्व देता है, भारत इजराइल का मित्र है, लेकिन एक स्वतंत्र और स्वाधीन फिलिस्तीनी राष्ट्र की संकल्पना जो भी की गई है उसका भारत समर्थन करता है, जिसको प्रधानमंत्री ने अभी दो दिन पहले भी दोहराया है जब फिलिस्तीन के राष्ट्रपति अब्बास के साथ वो बात कर रहे थे। भारत ने यह भी कहा कि मुश्किलों में फंसे फिलिस्तीनियों को भारत पूरी तरह से मानवीय सहायता देगा, ये भी है, लेकिन साथ ही साथ एक स्वतंत्र इसराइल और इसराइल के वजूद पर जो आतंकी तरीके से 7 अक्टूबर को कायराना हरकत किया गया, निर्दोष इसराइलियों को मारा गया, लगभग 2000 से अधिक लोग घायल या मारे गए हैं इसराइल की जहां तक बात है, हालांकि संख्या तो हमास के कारण फिलिस्तीनियों के मरने वालों के भी लगभग 5000 के पास पहुंच गई है और जो घायलों और मरने वालों की संख्या मिलाया जाए तो 15000 के करीब पहुंच चुकी है। ऐसा नहीं है, मानवीय संकट मानवीय त्रासदी दोनों तरफ से है, लेकिन इसराइल के वजूद को नकारना ये तो भारत ने स्वीकार नहीं किया और यही एक देश का स्टैंड होता है। लेकिन कनाडा दिखाता तो है राष्ट्रीय स्तर पर कि वो इसराइल के साथ है, लेकिन अपने देश के मस्जिद में जितने भी कट्टरपंथी मुसलमान जाते हैं उनको खुश करने के लिए ट्रूडो ने जो नायाब तरीका निकाला तो मस्जिद में उनकी सरेआम बेइज्जती की गई। निश्चित रूप से इस तरह की बेइज्जती करने वाले कट्टरपंथी ही रहे होंगे, आप देख सकते हैं इस वीडियो में। तो ये है ट्रूडो का व्यवहार और एक प्रधानमंत्री के तौर पर वो इस तरह का आचरण करते हैं, जिसके कारण उनका भी व्यक्तित्व नीचे जाता है और कनाडा का भी राष्ट्रीय जो मान सम्मान और गौरव है वो गिरता है। ऐसे कम समझदार प्रधानमंत्री से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं कि वो भारत के साथ संबंधों को बेहतर बनाए, और स्थिति आप भारत और कनाडा के बीच जो रिश्ते हैं और वो भी ट्रूडो के कारण, वो आप देख सकते हैं। बहरहाल आपको हमारी ये खबर और ये विश्लेषण कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।